द लाइव न्यूज देश सबसे आगे। एम्स निर्देशक डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि टीका लगवाने के बाद व्यक्ति को कोरोना वायरस संक्रमण हो सकता है। पीड़ित में वैश्विक महामारी के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। हालांकि वैक्सीन मिलने के बाद उसे अस्पताल में इलाज की जरूरत की आशंका कम ही होगी। उन्होंने आज बताया, वैक्सीन लगने के बाद किसी को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि उस व्यक्ति की इम्यूनिटी फौरन ठीक हो गई है। ऐसे में हमें मास्क लगाना, लगातार हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना होगा। ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि टीके के दो डोज के करीब दो हफ्ते के बाद ही अच्छी इम्यूनिटी बन पाएगी। डॉक्टर गुलेरिया ने समझाया कि टीका लगने के बाद लोगों को किस प्रकार का प्रोटेक्शन मिलेगा। वो बोले, मान लें मुझे टीका लग गया है, ये सुरक्षा होगी कि मुझे अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, गंभीर रूप से कोरोना नहीं होगा, मैं आईसीयू नहीं जाऊंगा। हालांकि एक्सपोज होने पर हल्का फुल्का संक्रमण हो सकता है, जुकाम नजला होगा तब एंटीबॉडीज बनेंगी जो गंभीर कोरोना होने नहीं देंगी, पर इस दौरान मैं घर के अन्य लोगों जिन्हें टीका नहीं लगा है को संक्रमण दे सकता हूँ। बता दें, भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 18,645 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब तक संक्रमित हुए कुल लोगों की संख्या बढ़कर 1,04,50,284 हो गई है, जिनमें से 1,75,950 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में 201 लोगों की मौत होने से संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,50,999 हो गई है। देश में संक्रमण मुक्त होने वाले लोगों की संख्या 1,75,950 हो गई है, जिससे संक्रमण से ठीक होने की दर बढ़कर 96.42% हो गई है। इसके साथ ही संक्रमण से मृत्यु दर घटकर 1.44% रह गई है। लगातार 20वें दिन उपचाराधीन लोगों की संख्या 3 लाख से नीचे बनी हुई है। देश में संक्रमण के कुल मामले 2,23,335 उपचाराधीन हैं, जो कुल मामलों का 2.14% है। वहीं ब्रिटेन से आए नए स्ट्रेन के कुल केस की संख्या फिलहाल 90 है। भारत में 7 अगस्त को संक्रमित लोगों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और 5 सितंबर को 40 लाख के पार पहुंच गई थी। वहीं संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर को 50 लाख, 28 सितंबर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख तथा 19 दिसंबर को 1 करोड़ के पास चले गए थे।